संतुष्टि नहीं होती। अब भजन संध्या में देखता हूं कौन कितने पानी में कितने दम में है, दोनों पक्ष को देख लूंगा, कन्हैया किसको जिताता है किसको हराता है, बोलने वाला पहले चुप होता है कि नाचने वाले चुप पहले बैठते हैं, अब देखना। ये तो 16 का विषय हो। और संयोग की बात भी, तारीख भी बड़ी अच्छी आई है 16, और उस दिन पर्व भी कितना अच्छा है गुरु पूर्णिमा, और कृष्ण की कला कितनी है 16। इस पर भी थोड़ा संकेत करूंगा, आपको चिंता ना करना, ये कितना संयोग बना है, और आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि उसमें भजन संध्या रख लिए। भाई भोजन वाला काम तो था ही, पर भजन संध्या रख लिया, अच्छी बात। ये 16 का अंक क्या है इस पर हम बताएंगे। और एक बात और ध्यान रखना, जिसमें कृष्ण की रास शुरू हुई है, बांसुरी बजा के जब गोपियों को बुलाए थे तो उसमें जो गोपियां भी आई थी तो 16,000 ही आई थी। ये तो फिर जब महाराज करना था, असंख्य गोपी असंख्य कृष्ण बाद में बने हैं ना, लेकिन वर्णन आगे समझाऊंगा आपको। लेकिन जब बैंड वादन किए हैं तो उसमें जब गोपियां आई हैं तो उन गोपियों की भी संख्या का वर्णन है, जिगा भागवत में स्पष्ट दिया है कि 16,000 गोपियां आई थी। और द्वारिका में जाकर के विवाह जो करवाए थे तो कितने हजार का अंक आता है देखेंगे, जितना समय होगा इस पर भी आप लोगों को आनंद देंगे। यही तो एक एक बिंदु को समझना है हमको आपको। भाई वहां भी 16,000 का अंक आता है कि नहीं आता है, आप कह दोगे 108 भी है तो 108 का मैं समझा दूंगा ये क्या है, क्या लीला है हमारे गोविंद की, क्या मस्ती है। और आप लोगों को संयोग से अच्छा है गुरु पूर्णिमा भी मिल गई है और 16 तारीख भी एक अंक तो मिल रहा ना 16 का कि नहीं, अब कला भी उसकी कितनी है 16 कला। लेकिन कब, जरा तूने इठला के चिलमन उठा ले, वही प्रेमियों ने जिंदगानी लुटा दी, वो मस्ती। आओ मेरे कन्हैया की बस्ती में लो मस्ती का आनंद, उस आनंद की मस्ती में चलो। भगवान श्याम सुंदर के लिए कुंती कहती है, हे केशव मुझे पता है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति की है, अंत में कहती हैं केशव यदि आप जा रहे हो तो जाने के पहले कुछ तो दे दो। क्या दे दें, जो आपके मन में इच्छा हो आप मांगो। तो कुंती क्या मांग ली, विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्या द पुनर्भव दर्शनम। हे केशव मुझे विपत्ति का दान दे दो। आप ये क्या मांग रहे हैं, अरे मुझे पता है कि जब विपत्ति आती तभी तो आप आते हो, और इसका अनुभव मुझसे ज्यादा किसी को नहीं होगा। कुंती ने कहा ज्यादा अनुभव मुझे होगा, कैसे, या तो मुझे है या मेरे भाई को है, बसते उनके भाई हैं। जब उनके 6-6 बेटे मारे गए तब तो बाद में आप आए हो, पहले तो नहीं आए। और हमारे यहां जब बच्चों को जहर दिया गया, भीम को जहर दिया गया था ना, बचाने कौन आए, कृष्ण। पांडवों को लाक्षाग्रह में जलाने का प्रयास किया, बचाने कौन आए, कृष्ण। दुर्वासा के श्राप से पांडवों को भस्म करवाने का उपाय किया गया,
बचाने कौन आए? कृष्ण। भरी सभा में द्रौपदी के सामने संकट आया तो बचाने के लिए कौन आए? कृष्ण। महाराज, इससे ज्यादा अनुभव किसको होगा? मुझे वो विपत्ति दो जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता है। विपदा संतना शश्व तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान ने कहा बुआ, अब मैं विपत्ति नहीं दे सकता, आपको कुछ और मांगना है तो मांग लो। संपत्ति विपत्ति तो माया का, मेरा कार्य नहीं। कुछ और? तब कुंती ने कहा, ठीक केशव, आप विपत्ति नहीं दे सकते तो मुझे दो वरदान दे दो। कौन कौन सा? पहला, अपने चरणों की प्रेमा भक्ति दे दो। प्रेमा भक्ति, जिसको प्रेमा भक्ति मिल जाए भगवान उसके साथ साथ फिर डोला करते हैं। सच्चे प्रेम का यही लक्षण है। यदि आपका प्रियतम सच्चा प्रेम हो गया है तो हर पल आपके ही चिंतन में रहेगा, हर पल आपके अंग संग रहेगा। उसके जीवन की हर क्रिया प्रियतम के लिए होती है। गोपियां श्रृंगार भी की हैं तो कृष्ण के लिए, गीत भी गाई हैं तो कृष्ण के लिए, दूध भी दुही है तो कृष्ण के लिए, मक्खन बिलोई है तो कृष्ण के लिए। यही है सच्चे प्रेम का लक्ष्य। सुखी प्रियतम प्यारा हमारा रहे, यही तो सूत्र होना चाहिए। भगवान ने कहा, हां ये दे दूंगा प्रेमा भक्ति के वरदान। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। आप लोगों को भी कन्हैया से कभी मांगने की इच्छा हो ना तो एक लाइन बोल लिया करो। ये लाइन तो कई बार सुनाया हूं पर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो भी ठीक। क्या बोलना है आइए। दे दो भक्ति का दान मेरे प्रभु जी, दे दो भक्ति का दान मेरे प्रभु जी, तेरे दरबार में क्या कमी है। दो भक्ति का दान मेरे प्रभु जी, तेरे दरबार में क्या कमी है, तेरे दरबार में क्या कमी है, मेरी सरकार को क्या कमी है, तेरे दरबार में क्या कमी है, मेरे सरकार को क्या कमी है। दे दो भक्ति का दान मेरे प्रभु जी, तेरे दरबार में क्या कमी है। दे दो लाख अपनों को हमने पुकारा, सब के सब कर गए किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा,
सब के सब कर गए हैं किनारा। लात अपनों को हमने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। देखो अपना कौन है, पराया कौन है, इसका परीक्षण होता है संकट की घड़ी में। जब किसी के सामने कोई संकट आ जाता है तब पता लगता है कौन अपना। आपका जेब भरा है, 10 रिश्तेदार आपके पीछे दौड़ेंगे, 10 मित्र दौड़ेंगे, पर परमात्मा न करे कोई लीला कर दे जेब खाली हो जाए, तो जो गले लगाते को आतुर रहते थे मौका पाके गला भी काट सकते हैं। लाख अपनों को, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को हमने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। दे दो भक्ति का, दे दो भक्ति कदान मेरे प्रभु, तेरे दरबार में क्या कमी है। दे दो भक्ति कदान मेरे प्रभु जी, तेरे दरबार में क्या कमी है। तेरे दरबार में क्या कमी है, मेरी सरकार को क्या कमी है। तेरे दरबार में क्या कमी है, मेरी सरकार को क्या कमी है। दे दो भक्ति कदान मेरे प्रभु जी, दे दो भक्ति कदान मेरे प्रभु जी, तेरे दरबार में क्या कमी है। भक्ति कदान मेरे प्रभु जी, तेरे दरबार में क्या कमी है। हमारे प्रभु भक्ति का दान जल्दी नहीं देते, कोई संपत्ति मांगो दे देंगे, राजपाट मांगो दे देंगे, लेकिन भक्ति का दान देने में बहुत कंजूसी करते हैं। क्यों? जिसको भक्ति का दान दे देते हैं फिर उसके पीछे पीछे डोला करते हैं। कन्हैया कहता है, जहां भक्त मेरे पद धरे तहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ूं, और जिस दिन उनका साथ मिल जाए तो क्या मस्ती आती है। आइए एक लाइन उस मस्ती का अंदर में, हमारे साथ हैं यदुनाथ फिर किस बात की चिंता। जिसको अनुभूति हो यहां बैठकर थोड़ा सा हाथ खोल लेना बोलना, जिसको अनुभूति नहीं हो अपने अपने दुनिया में खोए रहना। हमारे साथ है यदुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ फिर किस बात की चिंता। शरण में आ गया जब दास फिर किस बात की चिंता। शरण में आ गया जब दास फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है यदुनाथ
तो फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है यदुनाथ, फिर किस बात की चिंता। करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तो रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी साथ है यदुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है यदुनाथ, फिर किस बात की चिंता। खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, न खाने की न पीने की न जीने की न मरने की, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी यदुनाथ, फिर किस बात की चिंता, हमारे साथ है यदुनाथ, फिर किस बात की चिंता। लेकिन ऐसी मस्ती कब आएगी जब भगवान की प्रेमा भक्ति आपको मिलेगी तब। कुंती ने कहा प्रेमा भक्ति का दान, कन्हैया ने कह दिया तथास्तु। दूसरा, परिवार से मोह की निवृत्ति।
परिवार बंधन का हेतु नहीं है, परिवार के प्रति जो आसक्ति है बंधन का हेतु है। भगवान नहीं कहते परिवार छोड़ के जाओ, आप जहां जाओगे आदमी तो मिलेंगे। किसी ने कहा मैं घर छोड़ के बाबा जी बन जाऊंगा, छोड़ दो घर, एक घर छोड़ोगे दूसरा बना लोगे। यहां 5 कमरे का छोड़ोगे वहां 500 कमरे का बनाओगे जाके, क्या मतलब है? जब मकान ही बनाना है, मकान का ही चिंतन है, तो फिर इस मार्ग में आने का मतलब क्या है? जितनी चिंता आपको 5 कमरे की नहीं है, उतना 500 कमरा बनाने वालों को रहती है। उनके पास कहीं बैठ के देखो महाराज, अरे उनके आश्रम में 1000 कमरा, अभी तुम्हारे में 500 और बनाना है, इसी का कंपटीशन मचा पड़ा है। 500 कमरा है, हमारे में 1000 क्यों नहीं है? उनका आश्रम 5 मंजिल का, मेरा 7 का क्यों नहीं है? जब यही प्रतिस्पर्धा है तो उस मार्ग का क्या प्रयोजन है? उस मार्ग की प्रतिस्पर्धा तो ये हो, उनको कृष्ण यदि मिले हैं तो मुझे भी मिलना चाहिए, उनको मिले हैं 6 महीने में तो मुझे 5 महीने मिलना चाहिए, ऐसी स्पर्धा हो तब तो इस मार्ग में जाने का फायदा है, तब इसका मतलब होता है। परिवार से मोह की निवृत्ति भगवान ने कह देता था। धर्मराज पहुंचे प्रभु के पास, भगवान ध्यानस्थ बैठे थे, किसका ध्यान कर रहे हैं? जो मेरा ध्यान करता है। देखो भगवान का एक बड़ा सुंदर सूत्र है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् में, हम जिस भाव में जैसे आप मुझे चाहोगे मैं भी आपको वैसे ही चाहूंगा। भगवान कहते हैं देहि में ददामिते, जैसा तू देगा बाबा मैं वैसे ही। पृथ्वी में आप जैसा बीज बोओगे फसल तो अच्छा, मान लीजिए हम लोग चना डाल दें, अच्छा है गेहूं मिल जाए तो, कनक मिल जाए, हो जाएगा कि नहीं? नहीं। अब मसूर का बीज डाल दें, अब मसूर में हम चाहें कि हमको चावल मिल जाए खाने को, तो मिल जाएगा ना? नहीं मिलेगा। अरे राम राम, हम सोचते तो मिल जाएगा, तो कर तो वही रहे हैं हम। फल तो चाहते हैं कृष्ण का, लेकिन इस तन को पाने के बाद बीज किसका बोते हैं ये देखो। हम कौन सा बीज बो रहे हैं? हम जैसा बीज बोएंगे वृक्ष तो वैसे आएगा ना। भगवान ने कहा देखो मैं इस समय ध्यान कर रहा हूं पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे, भगवान पहुंचे, भगवान को देख करके रो। आज चाह करके भी भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, बाणों में बिधे हुए। भगवान अपने हाथों से प्रेमाश्रु पोंछे, भगवान अपने भक्त से जब प्यार करते हैं महाराज, तो भक्त के अंग को अपनी जीवा से चाटे भी हैं भगवान, घृणा नहीं होती। आपने देखा होगा गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा कितना गंदा होता है, होता कि नहीं? दूसरा व्यक्ति दूर से पकड़ेगा, लेकिन गाय अपनी जीवा से चाट कर इतना सुंदर बना देती है थोड़े समय में कि लगता है इसको गोद में ले लें। सही है कि नहीं? किसी ने पूछा गाय से आपको घृणा नहीं आती, तो गाय ने कहा किस बात की घृणा? घृणा किस बात की? मेरा पेट गंदा ना होता तो मेरा बेटा गंदा, ये गंदगी मेरे पेट की है मेरे बेटे की नहीं है। ये भगवान की शरण में चले जाओगे तो भगवान भी यही कहेंगे कि ये गंदगी मेरे भक्त की नहीं है, ये गंदगी मेरी माया की है, और भगवान जीवा से चाट करके स्वच्छ कर दे। ऐसो को उदार जगह, क्या मस्ती है। भीष्म कहते प्रभु अपने जान में तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया। भगवान ने कहा किसी को अपना अपराध दिखाई नहीं पड़ता,
लेकिन एक कर्म भूमि है, यहां का जैसा कर्म करता उसको वैसा फल। तुम्हारा जब कर्म खाई फल भोगना है तो काहे को सत्संग में जाए, काहे को गुरु के पास जाए, क्या मतलब है? ये भी प्रश्न कर सकते हैं लोग। तो गुरु के पास जाओगे, कर्म फल के ताप से आपको बचा लेगा, ये गुरु की साधना है। लेकिन गुरु के पास आना पड़ेगा। बोले हम तो जाते रहते हैं, अपने गुरुदेव के पास तो जाते रहते हैं कि नहीं? अरे हम कई बार अपने गुरु से मिलने गए। अच्छा, तो गुरु के पास जाते रहोगे तो कुछ? कल हमने कहा था बिहारी जी तो रोज जाते हैं, महीने में जाते हैं, पर बिहारी जी कहते हैं आया करो। और जिस दिन आना सीख लोगे तो गुरु फिर आपके पास से नहीं जाएगा, कन्हैया नहीं जाएगा। क्यों? आप जिद कर देना ना, आपका अधिकार बन जाएगा। क्या जिद करना है? उस जिद की भी एक लाइन दे दो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। है केशव, जब आओगे तो भक्त क्या चैलेंज करता है भगवान को, शिष्य क्या करता है गुरु को, वो सूत्र में एक लाइन दे रहा हूं। एक एक लाइन देगा क्या? आ गए हो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। 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 आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। क्या मस्ती है! सूरदास जी ने कह दिया, ऐ कन्हैया आप में ताकत है तो जाके दिखाओ। एक सूरदास है, दिखाई नहीं पड़ रहा, भगवान को चैलेंज कर दिए और कृष्ण नहीं जा पाए। हम तो नेत्र वाले हैं। सूरदास जी ने क्या कहा था, थोड़ा कान खोल के सुन लेना। बांह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बदोगे तो हृदय से निकाल के दिखाओ। यह है प्रेम, यह है प्रेम का अधिकार। साधिकार बोलो क्या? आ गए हो। अरे एक लाइन बोलो जोर से, इतनी आवाज है कि मुझे सुनाई पड़ सकता है। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। Thank you.
भैया, यदि अब आ ही गए हैं तेरे दर पर, एक बात सुन ले, हम जाने वाले भी नहीं है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे बाबा, जब ओखली में सिर रख दिए तो मूसल से डर किस बात की, काहे की डर? लेकिन कब बोलोगे ऐसा? जब गुरु के पास आओगे। अभी तो हम जाते हैं, शास्त्री जी के पास हम गए थे ना। अरे हम कितनी बार गए भाई वहां, वो जितनी बार आते हैं ना, मैं जितनी बार मैं गया या गई, पर मेरा काम ही नहीं हुआ। बड़ी समझ। अब कमी शास्त्री जी की है, गुरु जी की है कि भक्त की है, भगवान जाने, पर कमी तो अपना भक्त देखेगा नहीं। साधक कहता आओ, कन्हैया कहता है आओ, और हम लोग क्या कहते हैं? जाओ। आ गए हो, ध्यान रखना, अब इस मार्ग में आ गए हो तो चाहे जैसे भी हो, कन्हैया जल्दी जाने भी नहीं देगा। आ गए हो तो जाने जिद छोड़ दो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो, आ गए हो तो जाने की जिद छोड़ दो। इसलिए कहता हूं, आप कभी गुरुदेव के पास आओ, अपने कन्हैया के पास आओ। जो आता है वही पाता है, लेकिन जो जाता है वो। आज तक हम लोग क्या बोलते थे? जाते हैं। कई हमारे भाई लोग बैठे हैं, कई विदेश के विदेश घूमते रहते हैं, बोले महाराज जितनी बार आता हूं मैं वृंदावन जरूर जाता हूं। अच्छी बात, मैं तो कहता हूं एक आध बार आओ तो सही, जाओ नहीं आओ। ये आने का मार्ग, जाने का मार्ग नहीं है। आपके प्रारब्ध में गलत भी कर्म लिखा होगा, गुरु चाहेगा तो कवच बन के रोक लेगा। ये ताकत गुरु की है, गुरु की ताकत गोविंद से ज्यादा है। ब्रह्मा की लेख को मिटाने की ताकत गुरु में होती है, लेकिन गुरु को समझो तो सही, आओ तो सही। बोले महाराज हर गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु जी के यहां जाते हैं, ये गुरु पूर्णिमा रही कई चेले जाएंगे अपने अपने गुरु के यहां, जाना चाहिए। बोले हर गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु के यहां हम क्या कहते हैं लोग, यही ना बोलते थे। अब भले सुनने के बाद कह दोगे कि आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? महाराज हमारे गुरु जी जहां हो वहीं चले जाते हैं, कहते कि नहीं कहते? आपका शब्द क्या कह रहा है? सारा खेल शब्द का है। और आपको पता है भगवान का वाहन है गरुड़, भगवान का वाहन क्या है? गरुड़। और शब्द का ही अर्थ गरुड़, गरुड़ का अर्थ है शब्द। शब्द पर ही बैठ करके आते हैं और शब्द से ही बैठ कर चले जाते हैं। बात तो छोटी है लेकिन बड़ी काम की है। आपका शब्द क्या कह दिया? हम गुरुदेव के पास जाते हैं, बिहारी जी के पास, गिरिराज जी, कभी बच्चों के साथ जाते हैं, कभी पति के साथ जाते हैं। अच्छी बात। आ गए हो
तो जाने कि जिद छोड़ दो, आ गए हो तो जाने कि जिद छोड़ दो, जा रहे हो तो आने का वादा, जा रहे हो तो आने का वादा करो, गए हो तो जाने कि जिद छोड़ दो, आ गए हो तो जाने कि जिद छोड़। इस मस्ती को इसी बस्ती में छोड़ो, चलें आगे, कुछ कथानक को भी आगे बढ़ा लें। आगे कृष्ण की हमारी इच्छा, जो वो चाहते हैं वही होता है, उनकी मर्जी। तो ध्यान रखना, कई बार लोग तर्क देते हैं, जब कर्म का फल भोगना ही है तो गुरु के पास जाना जरूरी, और सही बात है, गुरु के पास जाना जरूरी नहीं है, गुरु के पास आना जरूरी है। जाने में मजबूरी हुआ करती है और आने में प्रेम हुआ करता, दोनों का अंतर है। जैसे कई बार अब चाहते नहीं लेकिन वहां जाना पड़ेगा, मजबूरी भी है, ना जाएंगे तो अच्छा, कहते कि नहीं, जाने शब्द में मजबूरी का भाव छुपा है और आने शब्द में प्रेम का भाव छुपा है। आपके जीवन की जो क्रिया दर्शा रही है वो मजबूरी की दर्शा रही है, भाव पक्ष प्रेम पक्ष की नहीं दर्शाई। और कृष्ण आपकी मजबूरी में नहीं आएगा, कृष्ण जब भी आएंगे तो आपके प्रेम भाव में आएंगे। भगवान का भक्त जब भी आएगा तो आपकी मजबूरी में नहीं आएगा, आपके प्रेम भाव में आएगा। जाना शब्द मजबूरी में होता है कि नहीं? बोले कथा का कार्ड आया है, बड़ी व्यस्तता है, लेकिन अब जाना मजबूरी है, न जाएंगे तो कहेंगे हम कार्ड में जी आप एक भी दिन नहीं आए, ये मजबूरी है। और जहां भाव है प्रेम है, खाली सूचना मिल गई है, हर कार्य छोड़ के हम तो आएंगे। आप कार्ड दो या ना दो, हमको तो पता चल गया भगवान की कथा है, मुझे तो वहां आना ही आना है, ये प्रेम भाव होता है। पर कार्ड आया, चलो एक आध दिन हो आए, नहीं जाएंगे तो कहेंगे कार्ड दिए और आए भी नहीं। अब आपका शब्द क्या कह रहा है, अब अपने आप में देखो, आप बैठे हो मजबूरी के तट पर और कृष्ण बैठे हैं प्रेम के तट पर, भाव के तट पर। तो जिस तट पर कृष्ण है वहां तो आप गए नहीं, अब कृष्ण नहीं मिले तो गलती किसकी है? कृष्ण की नहीं। इसलिए गुरुदेव के पास कभी जाना चाहिए कि नहीं? चलो जो भी करना चाहिए, कभी कभार जाना चाहिए कि नहीं? आना तो नहीं चाहिए ना, क्या करोगे आपका विषय में, ये आपका भाव है, ये गुरु की ताकत होती है। गुरु तो वो कवच है, विधाता रुष्ट हो और गुरु प्रसन्न है तो विधाता, कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ था पता है ना, कभी इस विषय को लगता नहीं सुनाया हूं, राम हनुमान का भी युद्ध हुआ है और कृष्ण अर्जुन का भी युद्ध हुआ है। कृष्ण अर्जुन के युद्ध में कृष्ण पराजित हुए हैं, अर्जुन विजयी हुए हैं। राम हनुमान के युद्ध में राम जी पराजित हुए हैं, हनुमंतलाल विजयी हुए। वो ताकत होती है गुरु में। राखे गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। भगवान कहते हैं कर्म का फल भोगना पड़ता है। विष्णु ने कहा महाराज अपने जान में तो कोई ऐसा अपराध नहीं किया, किसी को अपना अपराध दिखाई नहीं पड़ता। सारा प्रसंग दिखा दिया आप लोगों को, मैं कई बार बताया हूं। अंत में विष्णु ने कहा महाराज आपकी दी हुई अमानत मैं संभाल कर रखा हूं, इसको आप ले लीजिए। क्या बुद्धि इति मित्रूप कल्पिताओं मित्रष्णाओं। विष्णु जी ने कहा महाराज जिस बुद्धि का संबंध मैं आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान चित्रभुज रूप में प्रकट हुए हैं, भीष्म दर्शन करते अंतिम यात्रा किए,
कृष्ण का प्रस्थान द्वारिका, द्वारिकावासी भगवान को पाकर गदगद हुए। परीक्षित का जन्म, जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। पांडव बहुत खुश हैं। कुछ समय के बाद विदुर जी का आगमन हुआ। पांडव उनका अतिथि सत्कार किए, पहुंचे धृतराष्ट्र के पास। भैया आपकी कार्य योजना क्या है? पांडुपुत्र बड़े प्यारे हैं। विदुर जी को आक्रोश आ गया। मैं सोचता था आपकी बाहर की आंखें फूटती हैं, लेकिन आज पता चल गया अंदर की भी आंखें फूट गई। अरे भीम आपको रोटी देता कुत्तों की तरह, ऐसी रोटी खा के खुश हो? भीमा पवर्जितम पिंडम आदत्य गृह पालवत। तब रो पड़े, मैं क्या कर सकता हूं, चलो मेरे साथ। रोटी हर जगह नहीं खानी चाहिए, हर किसी के यहां नहीं खानी चाहिए। खिलाने वाले के अंदर प्रबल प्रेम हो या भूख से आपके प्राण संकट में, तब खाओ, नहीं भूख नहीं। क्यों? आप जिसके यहां का अन्न ग्रहण करोगे, जब तक उसके यहां अन्न का अंश आपके शरीर में पड़ा है और उस वक्त कोई साधना कोई क्रिया कर रहे हो, तो उसका छठा फल उसके पास जाएगा, तो उसके पास जाएगा। क्यों? उसी रस से आपका शरीर हृष्ट पुष्ट हो रहा है। हां, खिलाने वाले के अंदर प्रबल भाव हो, प्रबल प्रेम हो, खा लो। दुर्योधन के यहां 56 प्रकार का पकवान था। कन्हैया ने कह दिया मुझे भूख नहीं है, और विदुरानी के यहां बगैर नमक की साग खाए, बोले बड़ी भूख लगी। मेरा कन्हैया कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजले जो मुझको तो भव से बेड़ा पार है। धृतराष्ट्र रो पड़े। मध्यरात्रि का समय, विदुर का हाथ पकड़े चल पड़े। धृतराष्ट्र के इतने अपराध थे कि इनको तो नरक जाना चाहिए, लेकिन विदुर जी संत थे, उनको दया आ गई। उन्होंने एक सूत्र दिया, अविज्ञात गतिर जहियात। यह सूत्र गुरु अपने शिष्य को दिया करता है, जब शिष्य का समर्पण परिपक्व होता है तब। और इस क्रिया का केवल एक ही फल है कि जितने भी आपके कर्म होंगे, अच्छे बुरे जो भी, सब समाप्त, तो कृष्ण की कृपा मिल जाएगी आपको। यह विदुर जी ने दिया धृतराष्ट्र को, अविज्ञात गतिर जहियात का सूत्र है भागवत में। और जब गुरु द्रवित होते हैं शिष्य पर, तब कहते हैं तब कल्याणम भविष्य, तेरा कल्याण हो जाएगा, जा। ये गुरु का विषय है। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, कभी ध्यान रखना। गुरु कृपा हो जाए तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई। आज तो महाराज जी भजन भी बोलना डायरी खोल के बैठ जाते हैं, है भजन सम्राट, भजन गायक। लेकिन कई भजन गायक ऐसे मिलते हैं हमको, डायरी पन्ना नहीं देखते। और कई लोगों को देखता हूं ऊंचे मकान फीके पकवान नाम बहुत रहेगा, बड़ा खर्चा परचे लेते हैं, और डायरी पन्ना खोल के लगे बोलने, पलट पलट के क्या भजन गा रहे हो? भजन क्या है? आपके हृदय का उद्गार भजन होना चाहिए। आपके अंदर क्या, उसको निकालो। डायरी पन्ना तो हम भी पढ़ लेंगे। कथा का उद्गार क्या है? हृदय से निकालो ना। भागवत आपके अंदर किस रूप में है, उसको निकालो ना बाहर, खोल के मत पलटो बार बार। ये पलटने के लिए नहीं है, ये शांत बैठने के लिए और बैठाने के लिए है। लेकिन कब? गुरु कृपा होगी तो सब संभव है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये गुरु कृपा का लक्षण होता है। अभिज्ञात गतिर जयात का सूत्र मिला, गंगा के तट पर गए, पर्णकुटी बना के बैठे। गांधारी गई थी जल लेने, कुटिया में आग लगी, दोनों शरीर भगवान के चरणों में समर्पित किए। यहां भगवान जब स्वधाम गमन के लिए लकिए तो अपशगुन का संकेत होने लगा। शिष्य गुरु पर संदेह व्यक्त करने लगा, पिता पुत्र पर, पुत्र पिता पर संदेह व्यक्त करने लगा, भाई भाई के लिए गलत सोचने लगा। ये कलयुग के लक्षण होते हैं। यदि आपके अंदर संदेह की वृत्ति आ गई तो वहीं कलयुग अपना अधिकार जमाकर आपको भटका देगा। धर्मराज ने कहा, कृष्ण चले गए क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, ये शास्त्र को बेचने लगे लोग, वेदों का विक्रय होने लगा, क्या कारण है, कृष्ण चले गए। कलयुग के चिन्ह लक्षण पता चलता है कहां कलयुग कहां नहीं है। कलि का अर्थ कला है। अर्जुन के द्वारा जब पता लगा कि कृष्ण तो लीला को विराम दिए चले गए, उसी समय कुंती कृष्ण कृष्ण कहते शरीर त्याग दी। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है वो अपने प्रियतम के बगैर एक पल भी रहता नहीं है, वो शरीर छोड़ देता है। मछली का जल से प्रेम है, मछली मानव नहीं है, मानव नहीं है, और उसका प्रेम देखो, उसको जल से अलग कर दो तो शरीर त्याग देती है। आप मानव हो, प्रेम की बात करते हो, अपने प्रियतम के लिए यदि कुर्बानी नहीं किए तो कैसा प्रेम। कुंती शरीर त्याग दी। पांडव अपने पोते परीक्षित को राज्यपाट सौंप के चले गए हिमालय की ओर, पांडवों का स्वर्ग आरोहण। द्रौपदी का शरीर गला, नकुल सहदेव अर्जुन भीम, धर्मराज के बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है कनिष्ठिका आधी गल गई। क्यों, आधी झूठ बोले थे, आप लोगों की तो आधी भी नहीं गलेगी, पूरी बच जाएगी। कि आधी भी नहीं बचेगी, भगवान जाने क्या होगा। धर्मराज जीवन में आधी झूठ बोले थे, आधी उंगली गल गई। अरे यहां तो बात बात में झूठ बोल देना, और बिना मतलब में, कोई कहीं जा रहा, कहां जा रहे हो, अरे कहीं नहीं, अब जा रहे हैं, बोले कहीं नहीं, झूठ बोलने का पाप लग गया। कुछ कर रहे, क्या हो रहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं कह के झूठ बोलने का पाप ले लिए। कोई कुछ खा रहा, खा रहे नहीं, 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 कुछ नहीं, ऐसे ही खा भी रहे हो, ऐसे छोटी छोटी बातों में पाप लेते हो। और देवियों, आप लोग तो वैसे भी चाहो और न चाहो नित्य प्रति आप लोगों से पांच पाप हो रहे हैं, पांच पाप आपसे रोज हो रहे हैं, इसका प्रायश्चित कभी करते हो। जब नहीं करोगे तो गोदाम तो इसका बढ़ेगा, और जिसका गोदाम बढ़ेगा फिर माल वहीं से आएगा। आप कहोगे पांच पाप कैसे हो जाते हैं, तो पहला पाप होता है झाड़ू पोछा लगाने से। घर में झाड़ू पोछा लगाओगे, छोटे मोटे जीव जंतु हैं उनकी हत्या तो करना भी आपको जरूरी है, नहीं करोगे तो भी समस्या है, करते हो तो भी समस्या है, वो तो करना है। और झाड़ू से कई बार छोटे मोटे जीव आहत हो जाते हैं, ये पाप आपसे हो जाता है। दूसरा पाप वस्त्र धुलने में होता है, तीसरा पाप रसोई में होता है प्रसाद बनाने में, चौथा पाप होता है जब चावल की सफाई या दाल की सफाई करते हैं, और इसमें कीड़े होंगे तो उनको तो साफ करेंगे तो पाप तो होगा। अच्छा, ये अब चाहो ना चाहो तब भी हो जाता है, जरूरी नहीं है, ये मजबूरी वाला है। लेकिन इनसे बचने का बड़ा सरल उपाय है,
इनसे बचने का उपाय भी बड़ा सरल है आप लोगों के लिए, और वो उपाय मात्र 2 मिनट का है, लेकिन 2 मिनट के उपाय के लिए जल्दी नहीं बता दूंगा, थोड़ा इंतजार करवाऊंगा, थोड़ा भूख को बढ़ाऊंगा, बताऊंगा जरूर, निश्चित बताऊंगा, इसको जरूर बताऊंगा। कम से कम आज कथा का चिंतन तो करोगे इसी के बहाने, चिंतन तो कथा ही का ना होगा फिर, अरे आज ये बात बताए नहीं, कल जरूर बताएंगे, तो जब तक ना बताएंगे तो कथा में ही रहोगे, कथा के बहाने कथा का चिंतन करोगे, व्यासपीठ का उद्दृश्य आएगा, अरे ऐसे बैठ के ऐसे बोले थे, अब नींद नहीं आ रही है क्या करें, तो नींद ना आएगी तो व्यास गद्दी दिखाई पड़ेगी, नींद ना आएगी तो सत्संगाल दिखाई पड़ेगा, इसी बहाने मेरे कृष्ण का चिंतन होगा, और बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं, और उस पाप को भोगने के लिए अलग से नरक नहीं जाना पड़ेगा, चिंतन नहीं करना, एक उपाय में गायब हो जाता है, बड़ा छोटा बड़ा सरल है, और सब जानती भी हो, ऐसा नहीं, जो इधर बैठे हैं ये भी 5 पाप रोज करते हैं, ये न सोचे कि धरे भर है, यहां भी वही स्टॉक है, बराबर है 50-50, बड़ा सरल उपाय इनका, इसका प्रयोग है, बलि वैष्णोदेव में है, आज कौन करता, सब भूल गए, आप लोगों का तो और सरल कार्य है, एक पात्र में 2-4 सामग्री निकाल कर रख देनी है और जल घुमा देना, इतने में सारे पाप से बच जाओगे गृहस्थ के, फिर भी नहीं करते, कह दोगे आपने बताया नहीं, ये भी आप कह सकते हो। अब जब इसका भंडार आपके अंदर बढ़ेगा तो आपके अंदर तमोगुण आएगा, माया की वृत्तियां भी होती हैं, जब पाप राशि बढ़ती है तब माया का प्रवेश होता है, और माया की जो वृत्तियां हैं, माया की 3 वृत्तियां हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये माया की 3 वृत्तियां हैं, और अभी आप ये तो जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो, जब तक माया की वृत्ति में लिपटे हो तो मायापति के पास तो गए ही नहीं, मायापति के पास जब जाओगे तो वहां जो अवस्था है, न जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है, वहां तुरी अवस्था है, उस अवस्था में लेके जाता है साधक, इसी के लिए आपको चाहिए क्या, निधिध्यासन। आज की कथा यहीं शुरू किया हूं, याद है, श्रवण मनन और निधिध्यासन, जिसको सरल भाव में क्या बताया था, निश्चय, अच्छी बात याद है, यह है इसका सूत्र, तब आपके समझ में सूत्र आएंगे। अच्छा होता क्या है कि देखो यह रूम न ठंडा है न गर्म है, इसमें बर्फ की सिल्ली भर दो ठंडी हवा जाएगी, और आग का अंगार भर दो तो इससे क्या निकलेगा, तो दोष मकान का है कि जो रखा है उसका है, बोलो, मकान का नहीं है, उसी प्रकार दोष आपके शरीर का नहीं है, शरीर तो मकान है, आपके अंदर जो स्टॉक हो रहा है ये, अच्छा थोड़े से बढ़ता ही है, 5-5 वस्तु रोज रखते जाओ तो 1-2 साल में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, अच्छा 5 वस्तु को हटाना तो सरल है, पर 5 वस्तु 1 वर्ष तक लगातार रखते रहें तो कितनी हो जाएंगी संख्या, आप लोग गुणा भाग कर लेना, मोबाइल में आ जाएगी हिसाब, अब उतनी वस्तुओं को हटाने में समय तो लगेगा, तो जिस समय में हम कृष्ण को पा सकते थे उस समय में उसी को निकालते रह गए, समय निकल गया, न वस्तु निकल पाई न हम उससे निकल पाए। कई बार लोग आग बुझाते बुझाते उसी आग में झुलस करके समाप्त हो जाया करते हैं, यही हम लोगों के साथ हो रहा है, इसी को समझना, यही है निधिध्यासन, यही है निश्चयात्मका बुद्धि, तब आपके समझ में यह भागवत का सिद्धांत आएगा, तब आपको हम लेके चलेंगे भागवत की यात्रा में, कहा था ना कि भागवत की यात्रा इस बार चलेगी, यह है इसका सिद्धांत, दोनों के लिए बड़ा सरल सूत्र है, पर दोनों जागोवाज,
सूत्र जरूर दूंगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से कल्याण होना आप लोगों को। पहली सीढ़ी यहीं से लेगी, तब मैं आगे आपको लेके जा पाऊंगा। जो छात्र पहली क्लास में फेल हो जाए उससे यमे की उम्मीद हम क्या करेंगे? क्यों? यहां भरा है आग का गोला, जब आग का गोला भरा है तो मुख खुलेगा तो शब्द क्या निकलेगा? बम भोला। बम भोला नहीं निकलेगा फिर तो बम भाला निकलेगा। ये कारण है इसका, इसी को हमको आपको समझना है, ठीक है? तो गुरु कृपा से सब संभव है। ये झूठ का जो पाप है इससे बचा जा सकता है। युधिष्ठिर की आधी उंगली गली, सशरीर भगवान के धाम को गए परीक्षा में पास। परीक्षित राज्य का संचालन करते हैं, कलयुग का आगमन हुआ है, गाय बैल को प्रताड़ित करता हुआ उठाए धनुष बाण, शरणागति का सूत्र है। परीक्षित कलयुग को शरणागति दे दिए, लेकिन गलत व्यक्ति को शरण में लेना भी दुखदायी होता है। पर साधकों का काम यही है कि मैं जल जाऊं लेकिन दूसरे को तो बचाना है, ये भी तो परोपकार है। रहने के लिए चार स्थान दिया, जुआ शराब मांस चरित्र नारी। पांचवा स्थान अन्याय से कमाया हुआ सुवर्ण, उस स्वर्ण के मुकुट को धारण कर चल पड़े वन में शिकार खेलने। लगी प्यास, एक महात्मा साधना में बैठे थे, बगैर सूचना के चले गए। जब बगैर सूचना के गए वहां, प्रभु के भक्त परीक्षित के बुद्धि में बैठ गया था कलयुग, अन्याय से कमाए सोने के मुकुट थे, जल की याचना की, जल नहीं मिला, मृत सर्प उठा के गले में डाल दिया। जैसे मृत सर्प गले में डाला, बाहर आए कुटिया के, मुकुट को हटाए, बड़ी ग्लानि हुई, हे विधाता ये कितना बड़ा अपराध हो गया। अदीव राज्य मलमर्द कोशम, एक तपस्वी संत का अपमान हो गया मुझसे, आज ही मेरा राजकोष खजाना नष्ट हो जाए। तब तक श्रृंगी ऋषि आकर के देखे, पिता के गले में मृत सर्प, श्राप दे दिए, सातवें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाए। परीक्षित जी को श्राप मिला, सब कुछ त्याग कर गंगा के तट पर आ गए। आया नहीं किए, आया करने से क्या हो? गंगा के तट पर आए, गंगा स्नान का फल संतों का दर्शन मिला। संत दर्शन का फल, कोई भी संत सात दिन में भगवान का साक्षात्कार करवाने को तैयार नहीं, सबके सब पुकारे। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास नंदन भगवान सुखदेव का प्राकट्य हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का प्राकट्य, जैसे तारागणों के मध्य में चंद्रमा उदित हो तो तारागण शोभायमान हो जाते हैं, लेकिन बगैर चंद्रमा के तारागणों की कोई शोभा? उसी प्रकार सुखदेव जी के प्रकट होते ऋषि महर्षि शोभायमान हुए, सबके सब शरणागत हुए। सुखदेव जी बैठे हैं उच्चासन पर, परीक्षित की शरणागति, परीक्षित जी क्या प्रार्थना किए हैं? आइए कभी हम भी ऐसी प्रार्थना करें अपने प्रभु से, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे। अच्छा, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही
प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे हे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे जी रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रिय।